गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चे। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर, हाँ बच्चे। हाँ एक लाइन समझा दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा है। बोलो बोलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोलो क्या क्या नहीं समझ में आया। तो सर, ये जो सिर्फ दो बीजपत्री बस को नाश करेगा, एक बीजपत्री को नुकसान नहीं करेगा। देखो जो 2,4-D होता है ना वो डाइकॉट के अगेंस्ट स्पेसिफिकली वर्क करता है, वो मोनोकॉट को किल नहीं करता, स्पेसिफिसिटी होती सर, तो कि सर कुछ भी नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा उसको। है। देखो किल तो नहीं करेगा, बाकी यदि एक्सेस में ऑक्सीजन वगैरह यूज करते हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो हो सकते हैं, सर, यस सर, थैंक यू सर। ना। ओके ठीक है, आज ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे अपन। करें क्या स्टार्ट? यस सर। चलो जो कुछ पूछना तो नहीं है। हेलो सर, हाँ बच्चे सर एक बार विभेदन को बता दीजिए ना। विभेदन क्या बता दूँ? को? हाँ विभेदन। सर। विभेदन का मतलब होता है अपना काम करने के लिए स्पेसिफाई हो जाना। जैसे मान लो कि ये एक मेरिस्टमेटिक सेल है, तो अभी तो ये सिर्फ डिवीजन कर रही है। मान लो कल को इसे क्या करना है, इसे फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल में कन्वर्ट होना है, तो अभी तो इसके अंदर प्रोप्लास्टिड वगैरह है, सिर्फ डिवाइड कर रही है। यदि ये लीफ के अंदर मेसोफिल बनाना है इसको, तो ये क्या करेगी उस टाइम पे ये विभेदित हो जाएगी, और विभेदित होकर के ऐसी कोशिका बना देगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वो फोटोसिंथेसिस करता होगा, ऐसी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो मेरिस्टमेटिक सेल है उससे एक परमानेंट सेल का बनना जो कि अपना स्पेसिफिक काम करना स्टार्ट कर दे, उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, विभेदन बोल देते हैं या डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। समझ गए क्या? यानी यस अविभेदित कोशिका से विभेदित कोशिका बनने की प्रक्रिया ही क्या होगी, विभेदन होगी। ठीक है, यदि ये दोबारा डिवीजन की पावर को रिगेन कर ले तो विभेदन बोलेंगे, और फिर से परमानेंट बन जाए तो पुनर्विभेदन बोल देंगे। तो ऐसे और भी टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, सर। हाँ
चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब हम ह्यूमन के अंदर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन है वो उसके अंदर किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। तो ह्यूमन के अंदर वो सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो क्या काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर क्या रिक्वायरमेंट है डाइजेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक चीज है जो हम सबको जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है, फूड। बहुत सारी चीजें हैं वैसे, तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फूड। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि फूड किस तरीके से ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, तो ग्रॉसली हम उसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो है वो अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। उसमें भी यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में किस टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। भाई ह्यूमन के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में पर्टिकुलरली बात करें तो कौन सा है, एनिमल है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को बच्चा बताओ। ह्यूमन के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, बोलो बोलो। जहां पर हम क्या देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फूड जो है उसको खाया जाता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है, पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ईट करता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है, फिर बॉडी में जाकर के क्या होगा, उस फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरीके की जो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल को खाया जाता है, फूड को खाया जाता है और फिर उसे सेल के अंदर या बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ह्यूमन के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है हमारे में कि इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, हमारे अंदर किस टाइप का डाइजेशन होगा, इंट्रा सेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर, बोलो। इंटर सेलुलर हमारे अंदर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है वो सेल के बाहर में है और वहां पर एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, उसको डाइस करते हैं, फिर हम हमारी सेल जो है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से होता है डाइजेशन। तो फूड क्या है, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है बताओ, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर हमारे अंदर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी बनाने के लिए एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर मेटाबॉलिज्म और फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इन सब के लिए हमें या ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, किसी को पता है क्या बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें भोजन के सभी अवयव जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन सब के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो इसके लिए फूड में क्या होता है, फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए या लिपिड चाहिए, फैट या लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, इनके अलावा यदि बात करूं तो विटामिन, मिनरल्स,
एंड वाटर, ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए और बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर इन सब के। अब यहाँ पर ये जो मैक्रोमोलिक्यूल जो है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये जो हम खाते हैं, ये एज इट इज हमारी बॉडी का ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। क्या करना होगा, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको ब्रेक करना होता है किसके अंदर, जो सिंपलर फॉर्म है उसके अंदर। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नीडेड टू बी ब्रोकन इन सिंपल फॉर्म, किस लिए, सो दैट इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर बॉडी, रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एज इट इज थोड़ी यूज होगा। जैसे मान लो हमने स्टार्च खाया, तो हमारी बॉडी उस स्टार्च को लेकर के क्या करेगी, डायरेक्टली तो कुछ नहीं करेगी, क्या करना होगा, उस स्टार्च को ब्रेक करना होगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकती है, या रेस्पिरेशन में यूज कर सकती है, या अदर फंक्शंस के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम खाना खाते हैं उसका क्या जरूरी होता है, डाइजेशन होना जरूरी होता है। विटामिन्स की यदि मैं बात करूं, विटामिन्स, अब विटामिन जो है वो डायरेक्टली वो ऐसा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको हमें डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना है, और विटामिन की बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, बट ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिनरल वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी बॉडी में, वाटर जो है वो क्या कर रहा है, मीडियम बना रहा है, वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है डिफरेंट जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है उनको चलाने के लिए, और बॉडी को के अंदर को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, तो इसलिए वाटर भी हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना होता है। तो अब इतना जाने के बाद में डाइजेशन क्या होता है डिफाइन कर सकते हो क्या, क्या होता है डाइजेशन, इट इज द प्रोसेस, सर हिंदी में बताऊं, हाँ हिंदी में बताओ, प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस, यस वेरी गुड, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, फूड मटेरियल इज ब्रोकन इन सिंपल फॉर्म, किस तरीके से, किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में टूटेगा, एंजाइम्स की उपस्थिति में, यस, तो बायोकेमिकल बोल सकता हूं, बाय बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल भी, यस बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जो है उनके थ्रू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो उनका ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी ये हमारी सेल उसे एब्जॉर्ब करे और उसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसिमिलेट कर पाए। क्लियर हो गई बात सबको, डाइजेशन क्या होता है समझ गए क्या। अब ह्यूमन के अंदर ये जो प्रोसेस होता है वो एक सिस्टम के थ्रू होता है, जिस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, जिस सिस्टम को हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टम माउथ से लेकर के एनस तक पर, प्लस कुछ जो ग्लैंड्स हैं वो भी आती हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, और ओरिजिन के बेसिस पे हम बात करें तो इट कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देखो जो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सा, फोर गट जिसको स्टोमोडियम बोलते हैं, मिड गट जिसको मिजोडियम बोलते हैं, और हाइंड गट जिसे प्रोक्टोडियम बोलते हैं। फोर गट कहाँ से डेवलप होता है, एक्टोडर्म से। फोर गट में आता क्या है, माउथ ओरल कैविटी वगैरह से। मिड गट उसके बाद यानी फेरिंग से लेकर के और एनस के ठीक पहले तक यानी लार्ज इंटेस्टाइन के तक क्या हो जाएगा, मिड गट ये एंडोडर्म से डेवलप होगा।
ठीक है, और हाइंडगट जिसमें कौन आता है, एनल कैनाल और एनस। तो ये पूरा क्या होगा, अगेन एक्टोडर्म हो, एक्टोडर्म से डेवलप होगा। तो ध्यान रखना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका मैक्सिमम पार्ट तो एंडोडर्मल है, बट कुछ पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल है। वो फोल्डिंग जो तुम्हें माउथ पे दिख रही है और वो फोल्डिंग जो तुम्हें एनस पे दिख रही है, वो कुछ पार्ट जो है वो कैसे है, एक्टोडर्मल है। क्लियर है बात सबको? अब डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है मैंने, ठीक है। क्या क्या चीजें आएंगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जैसे अभी मैंने यहां पर बात किया एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या आएगा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया यहां पर, माउथ टू एनस और एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं? पैनक्रियाज, सलाइवा, लीवर है, पैनक्रियाज है, बाइल, गॉल ब्लैडर है, बाइल गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर के बारे में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगा जो हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है सबसे पहले वो क्या है, माउथ। हॉरिजॉन्टल ओपनिंग क्या है, माउथ है, माउथ, ये वाला पोर्शन। माउथ किसमें ओपन हो रहा है, ओरल कैविटी में या बक्कल कैविटी में, ये है बक्कल कैविटी, ये माउथ जो है हॉरिजॉन्टल स्लिट होता है, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। फिर माउथ के अंदर पीछे वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है वो फेरिंग्स है, ये वाला पार्ट जो है वो फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कौन से, जो मुंह की तरफ है ओरोफेरिंग्स, जो नोज की तरफ है वो नेसोफेरिंग्स, और ये दोनों एक कॉमन चैम्बर में ओपन हो जाते हैं फेरिंग्स के अंदर। अब क्या होगा, अब यहां पर माउथ के अंदर ये जो फेरिंग्स है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग कौन सी है, एक तो होती है गलेट और एक होती है ग्लॉटिस। ये क्या है, ये है ग्लॉटिस और ये क्या है, गलेट है, यानी ईसोफेगस की ओपनिंग है, ये ईसोफेगस की ओपनिंग है, और यहाँ पर किसकी ओपनिंग है, यहाँ पर जो लैरिंग्स है उसकी ओपनिंग है, दो ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फूड वाला चैम्बर जो पैसेज है, यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, फूड इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये फूड यहाँ से कहाँ पे जाना चाहिए, गलेट के अंदर जाना चाहिए, और ये गलेट के अंदर पहुंचे इस बात का ध्यान कौन रखता है कि ये उसमें ना चला जाए, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर ना चला जाए, उसका ध्यान कौन रखता है बताओ, एपिग्लॉटिस, यहाँ पर होता है उसके लिए एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करेगा, वो इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको क्लोज कर देगा, ये इसको क्लोज कर देगा ताकि फूड जो है वो कहाँ पर जाए, पीछे जाए, यानी कि हमारे ईसोफेगस के अंदर ही जाए। तो इस तरीके से फेरिंग्स वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना नेसोफेरिंग्स होता है, लैरिंगोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स होता है और ओरोफेरिंग्स होता है, वो कॉमन पार्ट में जाएंगे और वहां पर पोस्टीरियर साइड पे दो ओपनिंग होती है, पोस्टीरियरली जो होता है गलेट होता है, एंटीरियरली जो होता है वो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होगा जो रेगुलेट करता है कि फूड जो है वो कहां पर जाए, फूड पाइप के अंदर जाए। देन इसके बाद फेरिंग्स ओपन हुआ किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर, ये वाला पार्ट क्या है, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस एक शीश एक जे शेप के एम्प्टी स्टमक जो होता है वो जे शेप का कुछ इस टाइप का दिखता है, इसलिए पाउच लाइक जो ऑर्गन है उसमें खुलता है स्टमक, स्टमक जो है उसके बाद में आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ये तीन पार्ट जो है वो किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो ये ओपन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ओपन होता है किसके अंदर, सीकम के अंदर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पर जो वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व, इलियोसीकल वॉल्व जो है उसके थ्रू इलियम किसमें ओपन हो गया, सीकम के, और सीकम के नीचे ह्यूमन में तुम देखते हो कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि क्या जिसको हम बोलते हैं क्या,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, रिड्यूस टाइप का स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल टाइप का ऑर्गन है ये, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये सीकम वाला पोर्शन, अब सीकम जो है वो ओपन वो आगे ओपन होता है किसके अंदर, कॉलन के अंदर, और कॉलन के थ्री पार्ट्स हैं, कौन कौन से, थ्री नहीं फोर पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ब्रांच कॉलम, एक है असेंडिंग, असेंडिंग कॉलम कॉलन, ये देखो ये असेंडिंग कॉलन है, फिर ये वाला कौन सा है, ट्रांसवर्स कॉलन है, फिर इसके बाद में ये राइट कॉलिक फ्लेक्सर है, राइट साइड का ये लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर है, जो फ्लेक्सर का मतलब बेंड, बेंड टाइप का, तो यहाँ पर एक बार बेंड हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, राइट कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर वो प्रेजेंट होता है। देन डिसेंडिंग कॉलन, थर्ड कॉलन का थर्ड पार्ट आ गया डिसेंडिंग कॉलन, और फिर ये क्या होता है, इसके बाद बनता है सिग्मोइड कॉलन। तो इस टाइप से ये कॉलन के डिफरेंट पार्ट होगा। कॉलन किस में ओपन होगा, कॉलन ओपन होगा रेक्टम में, और या एनल कैनाल के अंदर, और वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, एनस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ह्यूमन का, क्लियर है बात, ये डायग्राम देखा हुआ है। अब यहाँ पर एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करो, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स दिख रहा है सबको, माउथ के अराउंड, मुंह के आसपास जो ओरल कैविटी के आसपास में, ये वाला सलाइवरी ग्लैंड, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है, जो मैंडिबल के ठीक पीछे होता है उसे सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, और टंग के ठीक नीचे यहाँ पर भी कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड बोल देते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड एक एसोसिएटेड ग्लैंड हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड हो गया। उसके अलावा लिवर, लिवर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है क्या, गॉल ब्लैडर, और जो ड्यूडेनम है जो कि सी शेप का दिख रहा है हमें, उसके ठीक पास में क्या होता है, पैनक्रियास, ये पैनक्रियास, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, और इनके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे सिक्रेशंस देंगे जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प होती है। क्लियर हो गए बात सबको, ये सारे पार्ट्स देख लिए सबने। हेलो सर, सर ये जो वर्मी फॉर्म है अपेंडिक्स, इसका काम क्या है सर? अपेंडिक्स रूडिमेंटरी है हमारे अंदर, हमारे अंदर इनका कुछ काम नहीं है, यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक या कॉमेंसाल टाइप के बैक्टीरिया वगैरह जो है वो जरूर से रहते हैं, तो हमारे अंदर ये डाइजेशन में कोई ऐसा खास रोल प्ले नहीं करता। कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, जो सब म्यूकोसा है, जो कि हेल्प करेगा बैक्टीरिया वगैरह मतलब पैथोजन वगैरह उनसे बचाने में, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन के अंदर ध्यान रखना वेस्टिजियल है, कोई स्पेशल काम नहीं होता है। कई बार लोगों को तुमने देखा होगा कि अपेंडिक्स जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो उस केस में उसे कट करके रिमूव भी कर दिया जाता है, कोई डाइजेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। सर बोलते हैं जिसका ज्यादा पेट दर्द, हाँ हाँ जिसका ज्यादा पेट दर्द नहीं, वो अपेंडिसाइटिस जो है वो स्पेसिफिक ही होता है। अपेंडिसाइटिस यदि होगा तो उसके अंदर नीचे की तरफ राइट साइड में जो जो हमारा नेवल होता है, जो नाभि होती है वहां से, और इलियक जो क्रिस्ट होता है राइट, मतलब जो इलियक क्रिस्ट होगा मतलब ये जो पेल्विक बोन है उसका, तो वहां से एक लाइन बनाओगे, उस लाइन के टू थर्ड और वन थर्ड पार्ट के जंक्शन पे, उस जगह पर यदि पेन हो रहा है, वो पेन भी रिबाउंड टाइप का होता है, यानी हम जब दबाते हैं उस टाइम पे नहीं दुखता, जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही दुखता है, तो इस टाइप का पेन होता है, वो मोस्टली अपेंडिसाइटिस का पेन होता है। ये तो सारी मेडिकल की बातें बात आगे हम करेंगे ऐसा होगा तो, कि क्या क्या होता है अपेंडिसाइटिस में। हाँ बच्चे, सर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बताइए ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो वापस एक बार पार्ट्स के नाम सारे देख लो। इसके अंदर पार्ट हमने स्टार्ट किया किससे, सबसे पहले माउथ ओपनिंग जो है वो क्या है, माउथ, माउथ ओपन होता है किसके अंदर, बक्कल कैविटी या बक्को फेरिंजियल कैविटी भी बोलते हैं, बक्को फेरिंजियल कैविटी, बक्को फेरिंजियल कैविटी जो है वो उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स जो है वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। क्वेश्चन आएगा कि जो बक्को जो फेरिंग्स ईसोफेगस में ओपन होता है उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया होगा गलेट, ग्लोटिस, इसो पाइलोरिक स्फिंक्चर और कार्डियक स्फिंक्चर, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बोलो, गलेट, गलेट, गलेट के थ्रू ये ओपन होगा किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर, ईएचएजीयूएस, ठीक है, ईसोफेगस। और इसके बाद में ये ओपन होगा नेक्स्ट किसके अंदर, स्टमक के अंदर,
इसके बाद वाला पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का को फर्दर कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है, थ्री पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सा? ये सी शेप जो था, इओडेनम, उसके बाद वाला जेजुनम, इलियम, और उसके बाद वाला इलियम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये इलियम जो है वो इलियोसिकल वॉल्व की थ्रू ओपन हुआ किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन को फिर से हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से? एक तो सीकम, एक कॉलन, रेक्टम और रेक्टम। कॉलन जो है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, और लास्टली ये बॉडी के बाहर ओपन हो जाएगा किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये सारे पार्ट हो गए किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के। इनको हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले। स्टार्ट करें, सबसे पहले देखो माउथ एंड बकोफेरिंजियल कैनाल। देखो कुछ आज स्लाइड्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे से डायग्राम लिए हैं ताकि तुम्हें चीजें समझने में बहुत ही आसानी। देखो माउथ एंड बकोफेरिंजियल कैविटी, जब हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ हमें दिख रहा है क्या है, एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है हमारी बॉडी के अंदर। माउथ जो है वो क्या है, वो एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है। ये देखो ट्रांसवर्स ओपनिंग, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल टाइप की। और ये माउथ जो है वो सराउंडेड रहता है किससे, लिप से, होता है कि नहीं। माउथ इज ट्रांसवर्स ओपनिंग That is surrounded by or regulated by, surrounded by lips. कौन सा? अपर, एक अपर लिप और दूसरा लोअर लिप। अब हमारा लिप जो है वो मूव कर पाता है, हमारे लिप्स के आसपास में बहुत सारी मसल है। लिप के अराउंड जो एक सर्कुलर मसल है वो कौन सी होती है? Lip contains a circular muscle, क्या नाम है उसका, orbicularis oris, orbicularis oris। तो ये मसल होती है कहां पर, हमारे लिप के अंदर। ये जो क्रॉस सेक्शन में यहां पर मसल दिख रही है ये orbicularis oris है, ठीक है। तो ये तो माउथ की ओपनिंग की बात हुई, अपर लिप और लोअर लिप की बात हुई। अब इसके अंदर यहां से लेकर के और यहां तक का पूरा पार्ट है, ये है बकोफेरिंजियल कैविटी। तो बकोफेरिंजियल कैविटी या ओरल कैविटी जो है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? यदि मैं डायग्राम थोड़ा सा यहां पर तुम्हारे लिए वापस से बनाऊं, ये नोज है, ये लिप वाला पोर्शन है। तो यहां पर तुम देखोगे कि ये लिप जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये गम्स हैं, और यहां पर इसके अंदर टीथ है, टीथ बना लेते। कैनाइल टीथ है सर ये, कैनाइल नहीं बच्चे, क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिख रहा है, वो दिख वैसे रहा है ना, इधर से देख रहा है। हाँ वो क्रॉस सेक्शन में तुम्हें कैनाइल जैसा ही दिखेगा, फ्रंट से नहीं देख रहे ना, साइड से देख रहे। ये क्या है, ये है बोन जिसके अंदर टीथ जो है वो प्रेजेंट है। सॉकेट है, बोन का सॉकेट है जिसके अंदर ये टीथ प्रेजेंट है। यहां पर तो ये बोन कुछ ऐसे दिखे, ये बोन है, ये बोन है, ठीक है। और इस यहां पर है टंग। अब देखो ये टंग है, थोड़ा सा ये पोर्शन बनाया। तो ये माउथ लिप, ये लिप है, अपर लिप, ये लोअर लिप, ये हॉरिजॉन्टल ओपनिंग जिसे हमने क्या बोला, माउथ बोला। अब ये जब ओपन हो रहा है तो यहां पर हमें दो टाइप का चैम्बर दिख रहा है। ये जो बीच में टीथ है,
इसने क्या किया, इस पूरे बकोफेरिंजियल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो इधर वाला पार्ट जो किसके बीच में प्रेजेंट है, जो लिप और टीथ के बीच में प्रेजेंट है, ये क्या है, ये टीथ है। लिप और टीथ के बीच में जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे, यस इसे बोल सकते हैं हम बक्कल वेस्टिब्यूल। जनरली वेस्टिब्यूल, बक्कल और लिबियल वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं बक्कल और लिबियल। जो लिप के पीछे कैविटी है वो लिबियल है, और जो हमारे चीक के और टीथ के बीच में कैविटी होगा वो बक्कल होगा। तो ये वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन ये होता है, और ये होता है प्रॉपर ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, बक्कल और ओरल कैविटी प्रॉपर। तो इस तरीके से हम देखते हैं दो पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। अब तुमने नोट किया होगा, अभी इस डायग्राम में दिखेगा तुम्हें, तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ये वेस्टिब्यूल है। ये तुमको क्या दिख रहा है, जिंजाइवा दिख रहा है। तो हमारा लिप जो है वो ऊपर की तरफ एक ऐसे फोल्ड से हमारे आगे वाले दांतों के बीच में यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, देखा, इसको बोलते हैं हम फ्रीनम या फ्रेनुलम। ये लोअर फ्रीनम, इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम या फ्रीनम, और ये जो अपर जो है सुपीरियर लेबियल फ्रीनम। तो लेबियल का मतलब लिप, तो ये वाला पोर्शन यहां पर जिंजाइवा है। अब ये वेस्टिब्यूल वाला जो पोर्शन है, ये जो टीथ और चीक के बीच वाला जो स्पेस है, इस स्पेस का क्या रोल है बताओ, क्या रोल होगा, हमारे जो मोलर टीथ है वो और चीक के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस का क्या काम होगा, सिर्फ भोजन को जमा करता है क्या वेस्टिब्यूल? यस, चॉकलेट खाते टाइम कई बार हम चॉकलेट वहां पे रख लेते हैं बहुत देर। हाँ सर, यस, तो वही फंक्शन होता है। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन हो गया, और इसके बाद ठीक, अच्छा यहाँ पर ये जो लिप वगैरह और जिंजाइवा और ये सब, इनकी जो एपिथीलियम होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, और वो भी क्रेटिनाइज की नॉन क्रेटिनाइज। ठीक है, अब इसके बाद जो ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी का रूफ कौन बना रहा है, ये रूफ का मतलब ऊपर वाला पोर्शन कौन बना रहा है, ये बना रहा है, ये क्या है, पैलेट। रूफ कौन बनाता है, ये पैलेट। पैलेट के भी दो पार्ट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जहां पर हमें बोन वाला हार्ड पार्ट फील होता है वो वाला पोर्शन जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो रूफ जो है वो पैलेट बनाता है, हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट में बटा हुआ होगा। सॉफ्ट पैलेट का जो पोशियर पार्ट होता है वहां से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उवला बोलते हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट और उवला है, इसका काम क्या होता है, जब हम कुछ चीज निगलते हैं तो हमारा टंग जो है वो इसको प्रेस करता है, ये प्रेस करता है, तो ऊपर की तरफ ओपनिंग है किसकी, किसकी, नेसोफेरिंग्स की। ऊपर से हम सांस लेते हैं यहां से, तो जब ये वाला पार्ट प्रेस होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, चिपक जाएगा, यस, क्लोज कर देगा, यानी खाना जो है वो ऊपर ना जाए और पीछे की तरफ ही जाए, तो उसमें हेल्प करता है ये उवुला। ठीक है, अपर पार्ट समझ में आ गया कि हमारे ओरल कैविटी का अपर पार्ट या रूफ कौन बनाता है, समझ में आ गया सब बच्चों को। तो बच्चा बताओ कि फ्लोर कौन बनाता है, हमारी ओरल कैविटी का फ्लोर कौन बनाता है, ये वाला पार्ट, क्या, टंग, टंग बनाता है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ। पोस्टीरियरली क्या होता है, फेरिंग्स होता है, क्या बोलो ना, होता है क्या सर, हिंदी में बोलो ना, समझ नहीं आ रहा। देखो जो पैलेट जो है, पैलेट उसको हम हिंदी में बोलेंगे तो तालू बोलेंगे, तालू अपर पार्ट बनाएगा, जीवा लोअर पार्ट बनाएगी, पीछे की तरफ यदि हम बात करें फेरिंग्स, यानी ग्रसनी, फेरिंग्स जो है वो ग्रसनी, वो पीछे वाला भाग बनाएगी, दांत जो है वो आगे वाला भाग बनाएंगे, तो इस तरीके से। और साइड में क्या होगा, साइड में मोलर टीथ प्रेजेंट होंगे। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारी ओरल कैविटी या मुख गुहा का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ओरल कैविटी जो है वो बनती है। अब ओरल कैविटी के अंदर जो पैलेट वाला अपर पार्ट है, अपर पार्ट किसका बना होता है, ये वाली बोन कौन सी होती है ऊपर वाली, मैक्सिला, मैक्सिला बोन होती है। ऊपर की तरफ जो बोन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली बोन, मैक्सिला। और मैक्सिला बोन जो है उसके पीछे की तरफ
यहाँ पर क्या होगा, पैलेटाइन बोन, और यहाँ पर बच्चों ये जो बोन होती है इसके पास में, यहाँ पर तुम देखोगे अपने अपर टीथ जो है इंसाइजर उसके पास फील करोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा प्रोजेक्शन जैसा है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पैलेटाइन रुगी, हाँ रुगी या रुगाई, यहाँ पर ना यहाँ पर इस तरीके से होता है, क्या काम करता है, भोजन को आगे जाने नहीं देता, पैलेटाइन फिसलने से रोकता है। यस yes. तो हम तो ऐसा कुछ नहीं खाते हैं तो हमको तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट वो ऑर्गेन वो एनिमल्स जो क्या करते हैं अपने प्रे को कैच करते हैं, ईट करते हैं और सॉलो करते हैं, तो वो जिंदा है जब तक तब तक वो भाग ना जाए, तो उसको भागने से बचने रोकता है कौन, ये पैलेटाइन रुगाई, यहाँ पर क्या होता है पैलेटाइन रुगाई, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर पीछे की तरफ ये इसका कुछ पार्ट जो है वो हार्ड पैलेट होगा जहां तक बोन है, और उसके बाद जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है, यानी वहां पर फाइबर्स होते हैं, मसल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, यानी पैलेट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कौन सा, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, अपर पार्ट का यानी कि पैलेट का, ठीक है। लोअर पार्ट की यदि हम बात करें तो फ्लोर के कौन बना रहे, टंग बना रहे, टंग, टंग की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो टंग कैसा है, बोनी स्ट्रक्चर की मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, टंग जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ नहीं ओरल कैविटी बोलना ठीक रहेगा, अब तो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, और यहां पर यदि मैं टोटल बात करूं तो यहां पर ना 8 डिफरेंट टाइप की मसल्स होती है, कितनी, 8 डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं। यदि हम इन मसल्स को डिटेल में देखेंगे तो इसमें से 4 जो हैं वो एक्सट्रिंसिक मसल होती हैं, एक्सट्रिंसिक मसल, और 4 जो हैं वो इंट्रिंसिक मसल होती हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जैसे जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स मसल होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ऑब्लिक होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसे डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं। तो इंट्रिंसिक मसल का बोनी अटैचमेंट नहीं होता, एक्सट्रिंसिक मसल जो होते हैं उनका बोनी अटैचमेंट होता है। तो मसल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ये एक मस्कुलर पार्ट और बीच में एक फाइबर होता है जिसकी वजह से एक सल्कस बनता है, जिस सल्कस को हम क्या बोल देते हैं, मीडियन सल्कस। और यहाँ पर जो टंग है उसके अंदर तुम क्या देखोगे, टंग के अंदर तुम देखोगे कि ना जो एंटीरियर 1/3 है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक एंटीरियर 1/3 है, और पीछे वाला पार्ट जो है वो पोस्टीरियर 2/3 है, ये वाला पोर्शन, तो इसके बीच में एक वी शेप का सल्कस जो है वो देखने को मिलता है जिसे हम सल्कस टर्मिनलिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये एंटीरियर 1/3, इसे हम बोल देंगे ओरल पार्ट ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 है, 2/3 पोर्शन, और पोस्टीरियर 1/3 जो है इसको हम बोल देंगे फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। तो टंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इन दोनों पार्ट के बीच में ये तुमको क्या दिख रहा है, एक सल्कस दिख रहा है वी शेप का, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस बोल देते हैं। और यहां पर बीच में पूरा यहां से यहां तक क्या होता है, एक फाइब्रस बैंड होता है जिसकी वजह से मीडियन सल्कस जो है वो यहां पर बन जाता है। पीछे अटैच है ये जो टॉन्सिल है, यहां पर पैलेट के पास में पैलेटाइन टॉन्सिल होगा, और यहां पर जो टॉन्सिल्स होंगे वो होंगे लिंगुअल टॉन्सिल, और ये क्या है, ये है एपिग्लॉटिस। टंग के बिल्कुल पीछे जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई, क्या क्या पता पड़ रहा है स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर एक ही जो स्मॉल ओपनिंग टाइप की होती है एम्ब्रियोनल स्टेज में, इसको बोलते हैं हम फोरामेन सीकम, इसका नाम होता है फोरामेन सीकम।
क्या टंग के बारे में इतनी बात पता पड़ रही है? टंग जो है वो माउथ का फ्लोर बना रहा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोट्रूजिबल होता है, इसको हम बाहर अंदर कर सकते हैं, घूम सकता है, ठीक है। और इसका टू थर्ड पार्ट जो होता है वो कहाँ पर निकला हुआ होता है? टू थर्ड पार्ट जो है वो ओरल कैविटी में होता है, वन थर्ड पार्ट जो है वो फेरिंग्स में होता है, और इनके बीच में एक वी शेप सल्कस होता है, सल्कस टर्मिनल बोलते हैं, बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम फोरामेन सीकम बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? टंग को जब माउथ में देखते हैं हम तो ये फ्लोर पे अटैच्ड होता है किससे? हायोइड बोन्स। हायो नहीं, ऐसे तो बहुत सारी बोन है, हायोड है, जेनु है, जीनो हायोड मसल होता है, जीनो हाँ जेनु ये वाला पोर्शन होगा, हायोड ये वाला पोर्शन होगा, स्टाइलोइड मसल होता है, तो बहुत सारे ऐसे मसल के अटैचमेंट है। चार जो मैंने बताया था उसके लिए अलग अलग बोन होती है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये फ्लोर जो है ना, फ्लोर पे यहाँ पे ही अटैच्ड है। देखा तुमने, अपने मुंह के अंदर टंग को ऊपर करोगे तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एक मेम्ब्रेन जैसी से अटैच होता है। ये देखो, ये रहा, क्या बोलते हैं इसको? लिंगुअल फ्रीनम बोलते हैं। लिंगुअल फ्रीनम से ये अटैच्ड होता है, और यहाँ पर ही लिंगुअल फ्रीनम के पास में दो ओपनिंग है, एक ये है और एक ये है। देख पा रहे हो क्या डायग्राम में? किस चीज की ओपनिंग है ये? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी वाली? जो मैक्सिला के ये मैंडिबल के नीचे होती है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उनकी ओपनिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से टंग जो है वो फ्लोर से अटैच होता है। टंग का फंक्शन क्या है बताओ? टंग का फंक्शन क्या है? देखो, मस्कुलर है तो क्या कर रहा है, जब हम फूड को ईट करते हैं तो उनको मिक्स करने में हेल्प कर रहा है। टंग की हेल्प से हम फूड को मिक्स कर पाते हैं, बोलस बना पाते हैं, सलाइवा मिक्स करने में हेल्प कर रहा है, तो बोलस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है पहला। तो दूसरा, स्पीच में हेल्प कर रहा है, बोलने में हेल्प कर रहा है। थर्ड फंक्शन क्या होगा सर? स्वाद बताने में, खाने की चीज का। टेस्ट बर्ड जो होते हैं, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे पैपिला होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैपिला प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पैपिला होते हैं इसके ऊपर? सबसे ज्यादा नंबर में जो पैपिला होता है वो होता है फिलीफॉर्म पैपिला। पैपिला यानी वो ना ऐसा थ्रेड जैसा दिखता है, ऐसे प्रोजेक्शन जैसे दिखते हैं हमें टंग के ऊपर, छोटे 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 से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन है। सर इसका काम क्या रहता है? ऑल ओवर द टंग और हर जगह पे। इस पैपिला को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म पैपिला। क्या बोलते हैं? तंतुमय। फिलीफॉर्म का मतलब तंतुमय, इस तरीके से। कौन सा पैपिला है ये? ये है फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है। फिर इसके बाद, अच्छा, फिलीफॉर्म पैपिला जो होते हैं उनके ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होता, ये ध्यान रखना कि फिलीफॉर्म पैपिला जो होते हैं उनके ऊपर टेस्ट बर्ड एब्सेंट होगा। दूसरे यहां पर जो तुम्हें दिख रहे हैं वो पिनहेड लाइक होते हैं, थोड़े से ऐसे प्रोजेक्टेड टाइप के, कुछ इस टाइप का ऐसा। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं फंजी, हाँ फंजी फॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला होता है, फंजी फॉर्म पैपिला होता है। और इसके बाद में ये जो सल्कस है इसके पास में यहाँ पर ये होता है सरकम वैलेट पैपिला, और वैलेट पैपिला भी बोल देते हैं, सरकम वैलेट पैपिला। तो ह्यूमन के अंदर ऐसे थ्री टाइप के पैपिला होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म एंड सरकम वैलेट। कुछ एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा और भी कुछ पैपिला होता है साइड में, इसको क्या बोल देते हैं हम? पॉलीएट पैपिला। पॉलीएट पैपिला, यस यस। तो ऐसे फोर डिफरेंट टाइप के पैपिला जो है वो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फंजी फॉर्म में, ये फिली फॉर्म में यहाँ पर टेस्ट बर्ड नहीं होंगे, बाकी पे टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। और टंग के पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टॉन्सिल्स होंगे। क्या बोल दोगे उन टॉन्सिल्स को? लिंगुअल टॉन्सिल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्लियर हो गई इतनी बात सबको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टंग के ऊपर कहां पर कौन से पैपिला प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा टंग का पार्ट किस टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या पता है सब बच्चों को? टंग का एंटीरियर पार्ट जो होता है यहां से हमको कौन सा टेस्ट पता पड़ता है? मीठा या स्वीट? स्वीट।
इसके बाद जो साइड वाले पोर्शन होते हैं यहाँ से हमें कौन सा टेस्ट पता पड़ता है? सॉल्ट, सॉल्टी, यस। फिर इसके बाद वाले जो पोर्शन होते हैं, ये वाला पोर्शन किसके कौन से टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? और बाकी का ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये कौन से टेस्ट के लिए? बिटर, मेनली, मेनली। वैसे तो हर टाइप के वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टेस्ट बट हर जगह पे, लेकिन मेनली इन टेस्ट के लिए ये पार्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? टंग के बारे में सब कुछ क्लियर है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, तो फिर अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टंग के बाद में टीथ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में टीथ, टीच जो है उसके बारे में यदि तुम मुझसे पढ़ोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सर फेवरेट। हाँ, अभी तो ऐसे लग रहा है बीडीएस कॉलेज में बैठे हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा सा दांत मैंने इसलिए तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर टीच जो है इसके अंदर देखो, टीच जो है वो ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो टीच का ओरिजिन किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है मेनली। ठीक है, मेनली एक्टोडर्म, ये एनामल वाला पोर्शन जो है वो, और ये बीच वाले पोर्शन जो है वो मीजोडर्मल है। तो ओवरऑल क्या बोल देंगे कि एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन कैसा है इसका? एक्टो मीजोडर्म। अब टीथ की स्ट्रक्चर में पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो ये वाला पोर्शन जो है जो ओरल कैविटी में हमें दिखाई देता है उसे हम बोल देते हैं क्या? क्राउन, क्राउन बोलते हैं। और उसके बाद वो पोर्शन जो जिंजाइवा के ठीक नीचे होता है थोड़ा सा पार्ट, वो होता है नेक। और बाकी पूरा पार्ट जो कहां पर है, जो सॉकेट के अंदर है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं रूट। तो तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन जो है वो मेनली बना होता है किसका? इनेमल, इनेमल। इनेमल जो है वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो हार्डेस्ट मटेरियल है उसमें साथ सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल क्या है? इनेमल है। क्यों ये इतना हार्ड है? क्योंकि इसके अंदर 96% क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, यस, इनऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट मेनली। मेनली क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। मेनली किसका बना हुआ है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है इसके अंदर वो होता है, और वाटर कंटेंट जो है वो कितना हो गया? लेस देन 4% वाटर है। तो इस वजह से ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस में आ जाता है। बनता कैसे? इनेमल को बनाता कौन है? इनेमल को बनाता है एमिलोग्लास। इनेमल is formed by amyloblast. क्या होता है? amyloblast cell जो ना यहाँ पर होते हैं ऊपर में, इन जगहों पर होते हैं, यानी जब दांत हमारा बन रहा है उस टाइम पर, मान लो ये जिंजाइवा है, यहाँ पर नीचे अभी टीथ जो है वो डेवलप हो रहा है, तो ये जो टीथ डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर सेल्स जो है amyloblast वो ऊपर है, यहाँ पर है। ये क्या कर रही है? ये सेल बना रही है इनेमल। ठीक है, और ओडेंटोब्लास्ट सेल का है जो डेंटिन बनाने वाली सेल का है वो अंदर है यहाँ पर, यानी डेंटिन इधर से बन रहा है और इनेमल ऊपर से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है हमारा। जब ये सॉकेट से बाहर निकल जाएगा तो क्या बताओ, ये ऊपर वाली लेयर जो है एमिलोब्लास्ट वाली जो लेयर है वो बची रहेगी कि खत्म हो जाएगी? तो ये दांत निकल गया बाहर, तो ये ऊपर, हाँ ये ऊपर पतली सी लेयर तो खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या हो गया? अब इनेमल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि तुम्हारे दांतों में यदि इनेमल एक बार घिस जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा? यस, तो अभी ज्यादा खाना फंसता है, ये दांत यदि घिस गए, खराब हो गए तो खराब हो गए इनेमल वाला। हाँ बच्चे, सर जो इनेमल होता है वो सिर्फ क्राउन में प्रेजेंट होता है या फिर नेक और रूट उसमें भी होते हैं? देखो क्राउन में प्रेजेंट होगा, नेक वाले पार्ट में भी थोड़ा सा होगा, रूट में नहीं होगा। रूट में इनेमल की जगह पे ये व्हाइट पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा है रूट में, इसके नीचे, नेक के नीचे, रूट में जो ये दिख रहा है तुम्हें पोर्शन, ये होता है सीमेंटम। इसको क्या बोलते हैं हम? सीमेंटम। इनेमल नहीं है ये,
सिमेंटम में। ओके, इनेमल के ठीक नीचे यदि मैं बात करूं तो इनेमल के ठीक नीचे वाली लेयर जो दिख रही है तुम्हें, ये इनेमल तो हमारा ज्यादा व्हाइट टाइप का होता है, वैसे तो लोगों में अलग अलग लोगों के अंदर ये ह्यू हमें अलग अलग दिखता भी है, कुछ में फ्लोरोसिस वगैरह भी हो सकता है, फ्लोराइड वगैरह जमा होता है तो बहुत ही येलो सा बेकार से दिखता है। इसके नीचे होता है डेंटिन, डेंटिन। तो ये डेंटिन जो है वो कौन बनाता है, डेंटिन बनाने वाली सेल जो होती है वो होती है ओडोन्टोब्लास्ट सेल। डेंटिन इज फॉर्म्ड बाय ओडोन्टोब्लास्ट सेल। ये देखो, और ये डेंटिन जो तुम देख रहे हो उसके बीच में तुम्हें लग रहा है कि छोटे छोटे से चैनल जैसे हैं, दिख रहा है क्या, ऐसे लग रहा है छोटे छोटे चैनल जैसे हैं? यस सर, लाइन जैसे दिख रही है। तो वो होता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल। डेंटाइनल ट्यूब्यूल की वजह से क्या होता है, जब इनेमल घिस जाता है, इतना पोर्शन इनेमल का घिस गया मान लो, या कैविटी हो गई इतने पोर्शन में, और अब चीज जो हम खा रहे हैं वो यहाँ तक पहुंच पा रहा है, तो कुछ भी ठंडा गर्म खाएंगे तो क्या होगा, ये जो चैनल्स हैं इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच जाएगी, जो नर्व आर्टरी वेन्स वगैरह है वहां तक पहुंच जाएगी, और हमें ठंडे गर्म का पता लगने लग जाएगा, सेंसिटिविटी होने लग जाएगी। क्लियर हो गई क्या बात? तो डेंटिन जो है वो ओडोन्टो, हाँ बच्चे, और डेंटिन बनाने वाली सेल जो है वो ओडोन्टोब्लास्ट, ये जो डॉट डॉट जैसा दिख रहा है ये ओडोन्टोब्लास्ट सेल है। नहीं, सॉरी, डेंटिन बनाने वाली सेल अंदर होगी, यहाँ पर होगी ओडोन्टोब्लास्ट, ये सेल है ओडोन्टोब्लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनेमल यदि एक बार खराब हो गया तो हो गया, लेकिन यदि डेंटिन खराब होगा तो क्या उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल है क्या? यस, उसकी कुछ हद तक रिपेयरिंग होती है। कौन करते हैं? ये ओडोन्टोब्लास्ट सेल करते हैं। डेंटिन को फॉर्म करने वाले सेल जो है वो है ओडोन्टोब्लास्ट सेल, वो यहाँ पर, ठीक है। अब इनेमल डेंटिन ने कवरिंग बना ली, अंदर जो चैम्बर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पल्प चैम्बर। क्या बोलते हैं? पल्प, और पल्प चैम्बर, इस पल्प चैम्बर के अंदर ही होता है मेनली लिविंग सब्सटेंस। देखो ये आर्टरी जो टीथ को सप्लाई कर रहा है वो आर्टरी, वेन, नर्व, जो टिप है, टिप के ऊपर ये टिप जो होता है इसको हम बोल देते हैं रूट अपेक्स, रूट अपेक्स, और रूट अपेक्स के ऊपर जो यहाँ पर फोरामेन होगा, इस फोरामेन को बोल देंगे अपाइकल फोरामेन, ये जो है उसे अपाइकल फोरामेन, और ये जो पूरा एक ट्यूब जैसा बना रूट के अंदर उसको क्या बोल दोगे, रूट कैनाल। क्या बोल दोगे? रूट कैनाल। रूट कैनाल ट्रीटमेंट सुनाई क्या तुमने? यस सर, आरसीटी। हाँ, आरसीटी क्या करते हैं उसके अंदर, उसके अंदर ये जो लिविंग पार्ट है, क्योंकि इन्फेक्शन यहां तक पहुंच गया है, अब दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं, ये सारा पार्ट जो है वो निकाल देते हैं, आर्टरी वेन नर्व सब क्लीन कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, इसको सब निकाल देते हैं यहाँ से पूरा, और फिर इसको कैनाल को प्लग कर देते हैं इतने अच्छे से कि कुछ भी चीज हम खा रहे हैं, और इसको भी सील कर देते हैं ताकि नर्व और आर्टरी वेन वगैरह इन सबसे इसका कनेक्शन ही खत्म हो जाए। ये दांत जो है वो जिंदा तो नहीं रहेगा, अब दांत जो है वो लिविंग तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, इसकी आर्टरी वेन इन सबकी सप्लाई खत्म होने की वजह से अब ये पेन नहीं करेगा। आगे बात समझ में? यस सर, ठीक है। अब ये टीथ जो है, ये टीथ होता है किसके अंदर, सॉकेट के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मतलब एल्वियोलर, एल्वियोलाई बोल दो, एल्वियोलाई तो वो पार्ट हो गया बोन का, और उसके अंदर होता है सॉकेट। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे ये बोन है सपोज, जिसके अंदर ये टीथ है, तो ये बोन है, तो इसका ये वाला पोर्शन जो होता है इसे हम बोल देते हैं एल्वियोलाई, और ये है सॉकेट, सॉकेट ऑफ द टीथ, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है टीथ। तो रूट जो है वो यहां पर होगी जिस तरीके से, ये इसका क्राउन वाला पोर्शन है जिस तरीके से, और जिंजाइवा भी बना देता हूं, मसूड़े कैसे हैं, मसूड़े इसके ऊपर है जिस तरीके से। ये जिंजाइवा वाला पोर्शन है,
अब टीथ जब इस सॉकेट के अंदर होता है तो इस सॉकेट से अटैच होगा, ये बोन और टीथ के बीच में कनेक्शन होगा, तो टीथ का सिमेंटम और बोन जो है उसका, बोन जो है इनके बीच में यहां पर एक कुछ ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिससे ये अटैच होता है कुछ इस तरीके से। इसको बोल देते हैं हम पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये क्या होता है? ये होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बोनी सॉकेट के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर जो सॉकेट होता है उसके अंदर टीथ प्रेजेंट होता है, क्राउन हमें बाहर दिखता रहेगा, नेक जो है वो ये वाला पोर्शन है और रूट वाला पोर्शन वो है जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात सबको? टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है एकदम। अब ह्यूमन की यदि हम बात करें, ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर हम किस टाइप के हैं? मोनोफाइड, मोनोफाइड एंड पॉलीफाइड ऑन किस टाइप के हैं हम? हमारे अंदर कुछ दांत जो है वो लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं, कुछ दो बार में आते हैं। पॉलीफाइड ऑन कंडीशन क्या होता है? जो कई बार आते हैं दांत, जिनमें दांत कई बार। यस, पॉलीफाइड ऑन तो कई बार आते हैं। तो हम लोग पॉलीफाइड ऑन है क्या? नहीं, हम पॉलीफाइड ऑन नहीं है, कई बार नहीं आते। हम कौन से, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? डाईफाइड ऑन। यस, हमारे अंदर जो दांत हैं, कुछ दांत जो है वो डाईफाइड ऑन की कैटेगरी में आएंगे, डाईफाइड ऑन। कुछ दांत जो है वो हमारे अंदर दो बार आएंगे। कौन कौन से दांत हैं जो दो बार आते हैं? एक बार दूध के दांत होते हैं और फिर दोबारा भी आते हैं, बताओ सर। प्रीमोलर को छोड़ के सब, यानी इनसाइजर, कैनाइन, मोलर, मोलर, ठीक है, ये डाइफाइड। और मोनोफाइड ऑन कौन सा होगा? मोलर में भी कौन सा मोलर? विजडम वाला मोलर छोड़ के, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। और मोनोफाइड ऑन कंडीशन जो है वो क्या होगी? प्रीमोलर और विजडम, मोनोफाइड ऑन, प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है वो मोनोफायोडोंट वाली कंडीशन में आएगा। क्लियर है बात? और सारे दांत एक जैसे के, अलग अलग टाइप के? एक जैसे दांत दिख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे अंदर? डिफरेंट, अलग अलग टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कंडीशन जो है वो हेटरोडोंट कंडीशन होगी, हेटरोडोंट, अलग अलग टाइप के टीथ। और सॉकेट के अंदर होते हैं कि ऊपर प्रेजेंट होते हैं कि साइड में प्रेजेंट होते हैं? अंदर। तो क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को? थीकोडोंट कंडीशन। तो हमारे अंदर थीकोडोंट कंडीशन जो है वो मिलती है। क्लियर है बात सबको? तो ह्यूमन के अंदर हेटरोडोंट, थीकोडोंट टाइप की कंडीशन होगी, ठीक है। कुछ दांत मोनोफाइडोंट है जो एक बार आते, प्रीमोलर, चातुर दांत प्रीमोलर एंड विजडम टीथ थर्ड मोलर, दोनों यदि आता है तो, किसी में नहीं भी आते, ठीक है। अब हेटरोडोंट कंडीशन में हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर कौन कौन से टाइप के दांत हैं। देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सारा दांत कौन सा है? इनसाइज। ये क्या है? कैनाइन। ये क्या है? ये दोनों प्रीमोलर। और ये वाले क्या हैं? मोलर। ये डायग्राम, ये फोटो क्यों लिया? ये फोटो इसलिए लिया मैंने क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आता है कि कौन सी दांत में कितनी रूट होती है। देखा होगा तुमने, कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ अपर फर्स्ट मोलर या अपर सेकंड मोलर में कितनी रूट होती है, या अपर प्रीमोलर में कितनी रूट होती है, लोअर प्रीमोलर में कितनी रूट होती है, ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा। वो क्वेश्चन तुम कर पाओ उसके लिए मैंने ये डायग्राम दिया है कि अपर प्रीमोलर जो है, फर्स्ट प्रीमोलर या जनरली अपर प्रीमोलर के अंदर बोलते तो दो रूट होती है, लोअर के अंदर एक ही होती है। अपर मोलर के अंदर 3 रूट्स होती हैं और लोअर मोलर के अंदर 2 रूट्स होती हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है? ध्यान रख लोगे? क्लियर है बात सबको ये सारी टीथ के रिलेटेड? यस, ठीक है। अब इंसाइजर जो है इसका फंक्शन क्या है? इंसाइजर जो है वो किस एक्टिविटी में हेल्प करता है? कटिंग। कटिंग, यस। इंसाइजर जो है वो छीलने में काम आता है कोई भी। यस, इंसाइजर जो है वो
इंसीजन लगाने में, छीलने में या कट करने में हेल्प करता है। उतारने में दो इंसाइजर जो है वो कौन से हैं, सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर। इंसाइजर को हम आई से लिखें यदि, तो आई कितना है, दो होता है, कौन कौन सा, सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर। कैनाइन कितना होता है, वन होता है। प्रीमोलर कितने होते हैं, दो होते हैं। मोलर कितने होते हैं, थ्री होते हैं। जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन ह्यूमन एडल्ट। हमारे अंदर इंसाइजर कितना, देखो एक साइड का ये लिखेंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉपी है, ये जो बीच में लाइन बनाई है इसके इस साइड और इस साइड एक दूसरे की कॉपी है, ये लिखेंगे हम, ठीक है। ऊपर कितने इंसाइजर, दो। नीचे कितने, दो। फिर कैनाइन, ऊपर भी एक नीचे भी एक। फिर प्रीमोलर, ऊपर कितने, दो, नीचे भी दो। मोलर तीन, तीन। क्या हो गया ये, 2 1 2 3 by 2 1। यदि हम बच्चों की बात करें, 6 साल से कम के बच्चे हैं उनकी बात करें, क्या होगा छोटे बच्चों के अंदर, बिलो सिक्स ईयर, क्या नहीं होता उनके पास, मोलर नहीं होता कि प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं होता, और एक थर्ड मोलर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 1 0 2, 2 1 0 2। कितने दांत हो गए, ये ऊपर वाला ऐड कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 के 20, 20। और हमारे अंदर 32। कुछ तुम में से कुछ के अंदर 4 कम होंगे, यस सर, 28 होगा। तो इस तरीके से हम डेंटल फॉर्मूला देखते हैं, जहां पर इंसाइजर ने कट करने का काम किया, कैनाइन टीयरिंग का काम करता है, प्रीमोलर और मोलर जो है वो चूइंग और ग्राइंडिंग वाली प्रोसेस में हेल्प करते हैं, चबाने और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टीथ के फंक्शंस हो गए, क्लियर है बातें सबको। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जो विजडम टीथ होता है वो कितने साल के बाद आता है, 18 के बाद। ओके सर। लेकिन मेरे अभी एक दो नहीं आए सर, कब आएंगे, तो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं 18-20 का ही तो हूँ। हाँ 18 से ज्यादा की तो मैं खुद हूँ। हाँ ना, तुम्हारे विजडम टीथ आ गए क्या सर, पता नहीं सर, मेरा दांत ना भी ना एक महीने से परेशान कर रहा, भगवान ने क्यों आने वाला सर के पास। अरे पूछो मत, वो बोल रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं सर डेंटिस्ट के पास जाने से पहले कोरोना टेस्ट कराना पड़ता, पॉजिटिव निकल गई तो मैं तभी नहीं जाती, घूमने मिलेगा, चले जा सर। नहीं नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं निकलेगा, दर्द हो रहा है तो दिखा दो, क्योंकि क्या होता है ना कई बार अपना डेंटल प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत सीवियर हो जाता है, सहन नहीं होता, फिर इमरजेंसी में भागोगे। हाँ सर बात हुआ था उनसे। हाँ ऐसा हो जाता है कि क्योंकि जब तक टॉलरेट होता है लोग इम्पोर्टेंस देते नहीं है, फिर अचानक से पेशेंट ऐसी कंडीशन में आता है कि ना कुछ भी कर दो डॉक्टर साहब, कुछ भी कर दो बचा लो, ऐसा होता है। नहीं सर एक बार गई थी फिर दोबारा बुलाई थी तब सही था, और भी ना कुछ दिन पहले से फिर पेन हो रहा है, तो पूछे लगा के तो बोले कोरोना टेस्ट पहले होगा, तो पापा बोले कुछ दिन बाद जाना, फिर सेकंड डोज हो जाएगा वैक्सीन का, तो फिर ओके ठीक है ठीक है, तो ऐसा कर देना कोई दिक्कत। हेलो सर। हाँ सर ये दांत दो बार, हाँ हाँ वो वाली प्रोसेस बताइए ना भाई। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ना जो दांत बनाने के लिए जो टिश्यू स्पेशलाइज्ड है आर्च की फॉर्म में, वो ना दो होती है, एक जो है वो पहले स्टार्टिंग में बचपन में जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे उनसे टूथ बनते हैं, और फिर उसके पीछे एक और भी सेम ऐसे ही डेवलप हो रहा है, फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, और वो क्या होता है जब पहले वाले वो ग्रो करते हैं नीचे से, नीचे से जब ग्रो करते हैं ना तो ऊपर वाले दांत की रूट रिजॉल्व होती जाती है जो पहले से प्रेजेंट है, तो क्या होगा उनके दांत
की रूट रिजॉल्व होती जाएगी तो वो हिलने लग जाएंगे, वो हिलने लग जाते वो टूट जाते उसके नए आ जाते। तो इस तरीके से दो बार दांत, ठीक है सर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वही जो मैंने बताया टिश्यूज के बारे में, एमीलोब्लास्ट है, ओडेंटोब्लास्ट है, ये सब मिलकर के बनाएंगे, है ना। टूथ बड होते हैं फॉलिकल के फॉर्म में, उनसे ये डेवलप होते हैं, ठीक है। चलो देखो अब सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो मेन यदि हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ये थ्री मेन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ा है, और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होता है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हमारे ईयर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, जहां पर तुम्हारा कान है उस कान के ठीक नीचे इस जगह पर, यहां पर प्रेजेंट, ठीक है। यदि हम बात करें यानी कि चीक पे और नियर ईयर बोल सकते हो तुम, लार्जेस्ट है, और इसकी जो डक्ट होती है, ये डक्ट है जिसके थ्रू सलाइवा जो है वो जाएगा, इस डक्ट को क्या बोलते हैं हम, ये डक्ट को, पैरोटिड की डक्ट का नाम ध्यान रखना स्टिंसन्स डक्ट, स्टिंसन्स डक्ट बोलते हैं। ऐसे ही इस जगह पर ये जो एंगल ऑफ हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल का जो एंगल है रेमस वाला पोर्शन, उसके नीचे ये एंगल वाला पोर्शन, तो इस एंगल ऑफ मैंडिबल के ठीक नीचे यहाँ पर होता है कौन सा, सब मैक्सिलरी, हाँ सॉरी सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं और सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। और इसकी जो डक्ट है, इसकी डक्ट जो है, हाँ वॉटन्स डक्ट बोलते हैं, वॉटन्स डक्ट, ठीक है। और ये ज्यादा लंबी डक्ट होगी। अच्छा ओपनिंग कहाँ पे है, ये जो स्टिंसन्स डक्ट है इसकी ओपनिंग हमारी चीक पे, हमारे गाल पे अंदर कहाँ पर होगी, जहां पर हमारा अपर सेकंड मोलर है उसके पास, अपर सेकंड मोलर के पास में होती है ओपनिंग। और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो है इसकी ओपनिंग जो है, याद करो अभी डायग्राम बनाया था नीचे पे, हाँ लिंगुअल फ्रीनम के ठीक पास में वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और टंग के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, और इसकी डक्ट जो होती हैं छोटी छोटी सी, उनको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। तो ऐसा होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, और इनके अंदर सलाइवा का सिक्रेशन होगा। सलाइवा का सिक्रेशन पर डे यदि हम बात करें तो कितना होता है, लगभग 1.5 लीटर तक होता है, 1500 ml। सलाइवा का पीएच जो है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा, कितना होता है 6.8 to 7.6 तक होता है। जब खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम पे बेसिक होगा, स्लाइट एसिडिक भी हो सकता है, ज्यादा एसिडिक होना डेंजरस है, उस केस में टीथ जो है उनका इरोजन वगैरह जो है वो ज्यादा होने लग जाता है, डिस्कलरेशन वगैरह ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है। तो पीएच जो है वो नियर टू नॉर्मल होता है, कभी स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है। कंपोजिशन में देखोगे सलाइवा में मैक्सिमम पार्ट क्या है, वाटर है, उसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज हो सकते हैं, लाइसोजाइम्स हो सकते हैं, म्यूकस होता है, थायोसाइनेट नाम का केमिकल होता है, आयंस लाइक Na+, K+, Cl- बाइकार्बोनेट, IgA एंटीबॉडीज वगैरह जो है वो भी तुमको पता है सिक्रेशंस में आते हैं, और कुछ अमाउंट में यूरिया यूरिक एसिड वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सलाइवा का कंपोजिशन हो गया। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट फेरिंग्स की बात हमने करी ली थी, मैंने तुम्हें बता दिया था ओपनिंग वगैरह के बारे में फेरिंग्स की। चलो ईसोफेगस देखते हैं। ईसोफेगस जो है वो क्या होता है, फेरिंग्स जो है, यानी मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ यहाँ पर,
देखो ये टंग है, ये टंग है, ये वाला पोर्शन जो मैंने यहां पर बनाया ये है मेजो फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है ये है ओरो फेरिंग्स। कॉमन चैम्बर हो गया फेरिंग्स, कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। यहां पर दो पाथवे एक दूसरे को कट करते हैं, कौन से दो पाथवे एक दूसरे को कट करते हैं? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। यस, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं? देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये वाला पोर्शन जो है, ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं हम गलेट, नहीं नहीं ग्लॉटिस। ये क्या है? ये वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स। ये क्या है? इसके बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया। ये है ईसोफेगस, और ये क्या है, ये ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं गलेट। अब क्या होता है नॉर्मली, अभी जब हम कुछ खा नहीं रहे उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे ये लैरिंग्स थोड़ा नीचे है, और तुमने एडम्स एप्पल फील भी किया होगा, ये वाला एडम्स एप्पल फील करते हो क्या? लड़के लड़कों में ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो जैसे ही तुम कुछ निगलते हो उस टाइम पे तुम फील करना है ग्लॉटिस ऊपर जाता, ये जो एडम्स एप्पल है वो ऊपर जाता है। कुछ निगलोगे तो तुम्हें खुद से फील हो जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते तो क्या होता है, ऊपर यहां पर प्रेजेंट है क्या, ये क्या है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होता है जो क्या करता है, जो रेगुलेट करता है इसकी ओपनिंग को। तो जैसे ही हम कुछ यहां पर खा रहे हैं, हमारे मुंह में हमने कुछ फूड खाया जो कि बोलस बन गया है मान लो सलाइवा के साथ में मिक्स होकर के, तो जैसे ही हम कुछ सॉलो करते निगलते हैं तो उस टाइम पे ये ऊपर जाता है, तो ये वाला चैम्बर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फूड यहां से स्लिप होकर के कहां पर चला जाएगा, ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो फेरिंग्स है वो ओपन होता है किसके अंदर, जस्ट टू ओपनिंग्स वहां पर प्रेजेंट होती है, फूड पाइप की और विंड पाइप की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर ठीक एपिग्लॉटिस होता है इसके ठीक ऊपर, जो क्या करता है स्वॉलोइंग के टाइम पे से क्लोज कर लेता है ताकि फूड जो है वो ईसोफेगस के अंदर एंटर हो जाए। अब ईसोफेगस की बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ईसोफेगस तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस जो है वो तो कैसा स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग्स जो है उसको स्टमक से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि तुम देखोगे स्टमक हमारे पेट में है, और गले से हमने खाना खाया, तो बीच में एक पूरा पोर्शन आया किसका, थोरेक्स का, थोरेक्स वाला पोर्शन आया, और थोरेक्स और एब्डोमन इन दोनों के बीच में एक एक क्या बोलते हैं, मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो उसे डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, क्या है वो, डायफ्राम। यस वेरी गुड, डायफ्राम। तो ईसोफेगस जो है वो क्या करता है, वो उस डायफ्राम को क्रॉस करके कहां तक पहुंचता है, एब्डोमेन तक पहुंचता है या स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। तो लेंथ कितनी होती है ईसोफेगस की, 5 किलोमीटर नहीं नहीं 25 सेंटीमीटर वो बाजू वाले को बोल रही थी, लेंथ जो होता है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होता है किसका, ईसोफेगस का, ठीक है। इट पासेस टू एब्डोमन या स्टमक लिख देता हूं, स्टमक थ्रू डायफ्राम, डायफ्राम के थ्रू क्या होगा, स्टमक तक पहुंचेगा ही, आई बस वन में। और ईसोफेगस जो है इसका यदि हम देखें तो जब हम खाना खाते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और वो हमारे फूड को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कहां पर, स्टमक के अंदर। और स्टमक में जहां ये पहुंचेगा, कनेक्ट करेगा, वहां पर एक स्फिंक्टर होता है, कौन सा स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, ईसोफेगस
opens in stomach through cardiac sphincter. ठीक है, तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है उसके थ्रू इसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन होता है। ये इसकी हिस्टोलॉजी स्टडी करें यदि हम, तो कैसी होगी हिस्टोलॉजी इसोफेगस की? ऐसी हिस्टोलॉजी होगी जहां पर एपिथीलियम, किस टाइप का एपिथीलियम होगा? अच्छा, एक और मैं एक कॉमन चीज तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, हिस्टोलॉजी बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से हिस्टोलॉजी देखो। जब भी हम हिस्टोलॉजी देख रहे हैं इंटेस्टाइन के कोई भी पार्ट की, तो किस तरीके से दिखेगा हमें? सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी, यहां पर सबसे बाहर वाली लेयर, एक बहुत ही पतली सी लेयर जो किसकी बनी हुई होगी, जो मोस्टली बनी होगी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की, इस लेयर को क्या बोलोगे? जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है क्या बोलोगे? ये मोस्टली होगी सिरोसा लेयर। अभी कॉमन बता रहा हूं मैं तुम्हें, इस पेजस के बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सिरोसा लेयर मोस्टली क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, ठीक है, मीजोथीलियम, याद आ रहा है क्या? इस लेयर के ठीक नीचे यदि हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, या सिंपल बात करूं अभी कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर ऐसे मसल हो सकते हैं, तो मसल वाली जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम मस्कुलरिस लेयर। सिरोसा के ठीक नीचे ये लेयर, सिरोसा, सिरोसा के ठीक नीचे मसल लेयर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में क्या होगा? मस्कुलरिस में मोस्टली तो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, उसके अंदर सर्कुलर मसल होगा, यानी मस्कुलरिस में बाहर वाला क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, देन सर्कुलर। दिख रहा है डायग्राम में? कुछ जगहों पर कुछ जो पार्ट होंगे हमारे स्टमक के उसके अंदर क्या होगा? ऑब्लिक मसल भी होगा। तीन टाइप की मसल हो सकती है। ऑब्लिक मसल किसके अंदर होगा? सम की बात कर रहा हूं यहां पर, तो स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर सबसे बाहर सिरोसा वाली लेयर होगी, उसके नीचे मस्कुलरिस लेयर होगी, डिफरेंट टाइप के मसल लेयर्स होंगे। यहां पर ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, इस मसल के बीच में नर्व का प्लेक्सस जो है वो हो सकता है, यहाँ पे नर्व जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर नर्व जो है उसका प्लेक्सस, प्लेक्सस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते थे, जिसे हम बोलते थे ऑर्बेक्स प्लेक्सस। फिर इसके नीचे होता है सब म्यूकोसा। ये मसल लेयर के नीचे क्या है? यहां पर सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरीज होंगी, वेन, नर्व्स, ये सब लूज एरियल कनेक्टेड टिश्यू, उसका क्या है यहां पर? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के भी ठीक नीचे यहां पर क्या होगा? फिर से एक नर्व जो है उसका लेयर होगा, प्लेक्सस होगा, अगेन मैंट्रिक प्लेक्सस है, जिसे हम बोल देते हैं मिसनर्स प्लेक्सस। उसके नीचे सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के नीचे बात करें यहां पर क्या होगा? ये होगा म्यूकोसा, 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 और यहां पर बीच में है ल्यूमेन ऑफ गट। तो इस तरीके से क्या क्या लेयर प्रेजेंट होंगी? लेयर प्रेजेंट होगी सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके नीचे सब म्यूकोसा, उसके नीचे मस्कुलरिस लेयर, और उसके नीचे सबसे आउटर लेयर सिरोसा। ये लेयर्स प्रेजेंट होगी हिस्टोलॉजी, जनरल बताया मैंने, ठीक है। अब यहां पर एक एक जो ऑर्गन पढ़ेंगे तो मैं तुमको स्पेसिफिक कर दूंगा कि कहां पर क्या चीज स्पेशल मिलेगी हमें, ठीक है। तो देखो,
अच्छा कितना टाइम हो गया जी, लग रहा है क्लास का टाइम हो गया। यस सर, 5 मिनट ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, अरे टाइम ही नहीं, ध्यान नहीं रहा। चलो ये बस इसोफेगस वाला पार्ट जो है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो एपिथीलियम यहाँ पर कैसा है, एपिथीलियम जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड सिंपल नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम ये प्रेजेंट होता है। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं, और उसके नीचे मसल लेयर होता है। तो एपिथीलियम, ट्यूनिका प्रोपिया और मस्कुलरिस, ये तीनों मिलाकर के क्या होगा, ये तीनों मिलाकर के होगा म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे ये वाला जो लेयर होगा वो होगा सब म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा के नीचे मसल लेयर होगा। कौन कौन सी मसल, अंदर की तरफ जो है वो कौन सी वाली है, सर्कुलर वाली, बाहर की तरफ जो है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल वाली मसल लेयर। और सबसे बाहर यहां पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सिरोसा लेयर नहीं होगी, क्या होगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी लेयर प्रेजेंट होती है, इसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। क्या लेयर प्रेजेंट होगी, ट्यूनिका लेयर या ट्यूनिका एडवेंटिशिया लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी सबसे आउटर लेयर की फॉर्म में। तो ऐसा हिस्टोलॉजी होता है किसका, इसोफेगस का, जो हमारे फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, क्लियर है सबको, बोल तो दो। हाँ ठीक है, चलो तो इसके बाद में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब लोग पढ़ते रहो। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।